लोग भाई कहे कि यहाँ पांडव आए थे और उसने ये मंदिर बनवाया है, तो हम आपको दिखा। आप सामने कोतरा हुआ सब तस्वीर मूर्तियाँ देख रहे हो, ये पूरी जैन मंदिर की है और ये है पार्श्वनाथ और ये है उसके बाजू में जो बैठे हुए वो है अंबिका और उसके गोद में एक लड़का भी है और हाथ में है आम। आप देख सकते हो पूरा दृश्य, पूरी मूर्तियाँ कितनी पुरानी है। इस गुफा में पार्श्वनाथ की तस्वीरें, आदिनाथ की तस्वीरें और शांतिनाथ की तस्वीरें मौजूद है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक, फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आ गया हूँ डूंगरेश्वर जो ढाक में ही है। ये मेरा दूसरा भाग है। आप पहले मेरा पहला भाग देख लो, उसमें मैंने दिखाया है गणपति जी का मंदिर। ये दूसरा भाग है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा महादेव जी का दर्शन करवाऊंगा। यहाँ डूंगरेश्वर महादेव है और ये ऐसी लोकवाई का है कि यहाँ पांडव आए थे और उसने ये मंदिर बनवाया है, तो हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले यहाँ का एक बार व्यू आपको देख सकते हो। मैं आ गया हूँ डूंगरेश्वर महादेव और यहाँ आपको करवाऊंगा डूंगरेश्वर महादेव जी का दर्शन। यहाँ आपको दिखा देता हूँ पहले। રામાભાઈ વસ્તા ભાઈ ગામ ઢાંકના રહેવાસી। આ મંદિર પુરાણી છે, પાંડવનું સ્થાપન છે અને અહીંયા બધા જ દર્શન કરવા। આપ સામને દેખ રહે હો જો પથ્થર હૈ ઉસમે શ્રીરામ લિખા હૈ જો પાણી મેં કભી નહીં ડૂબતા। આપ દેખ સકતે હો સામને। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं यहाँ पास में एक खोड़ियार मंदिर, वहाँ चलते हैं और वहाँ कौन सी कहानी है प्राचीन उसके बारे में आपको बताता हूँ और वहाँ का दर्शन भी करवाता हूँ। तो चलो खोड़ियार मंदिर। फ्रेंड्स, हम आ गए खोड़ियार मंदिर। यहाँ डूंगरेश्वर से 2 मिनट का पैदल रास्ता है, आप यहाँ ज़रूर आ सकते हो। तो चलो मेरे साथ खोड़ियार माता जी के दर्शन करने के लिए। तो मैं आपको दर्शन करवाता हूँ खोड़ियार माता जी। आप सामने देख रहे हो खोड़ियार माता जी का मंदिर है और यहाँ ऐसा मानना है कि आप सामने पत्थर देख रहे हो वो तोड़कर स्वयंभू माता जी प्रकट हुए थे। तो आप एक बार यहाँ जरूर आना दर्शन के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करना।
आपको यहाँ से पूरा गांव का व्यू दिखाता हूँ। और सामने आप जो देख रहे हैं वो डैम है, वेणु डैम। और ये पूरा गांव कितना खूबसूरत नज़ारा है। फ्रेंड्स, आज हमने आपको एक डूंगरेश्वर महादेव जी का भी दर्शन करवाया और खोडियार माता जी का भी दर्शन करवाया। जो पुराना मंदिर है पांडवों ने बनाया हुआ है, जो महादेव जी का मंदिर है, और यहाँ खोडियार माता जी है वो प्रकट हुए थे एक पत्थर को कोतर कर। तो आप यहाँ जरूर आना और एक बार दर्शन करना। आज मैं आपको ले जाऊंगा ढांक के पास, जो जैन गुफा है वहाँ। फिलहाल ऊपर से आ रहा हूँ, वहाँ से यहाँ तक अभी पहुँचाऊँ। और सामने आपको वो दिखाता हूँ, सामने यहाँ है गुफाएं है, वहाँ तक आपको जाना है। तो हम चलते हैं जैन गुफा के तरफ। और साथ में ये एक भाई है, वो भी मेरे साथ जुड़ गए है। अभी फिलहाल वो यहाँ देखने के लिए आए थे, तो ये भी मेरे साथ जैन गुफा की ओर बढ़ रहे हैं और हम साथ में जाएंगे जैन गुफा देखने के लिए। तब मेरे इस वीडियो में बने रहेगा। इस पर्वत का नाम ढांकगिरी के नाम से जाना जाता है। यह गुजरात की सबसे पुरानी चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं में से एक है। दरवाजे के सामने वाले हिस्से में कायोत्सर्ग और ध्यान मुद्रा में कुछ जैन तस्वीरों है। यह छवि ऋषभनाथ का प्रतिनिधित्व करती है। आप सामने देख रहे हो जिसके लंबे हाथ है और सिर पर शेषनाग है, वो पार्श्वनाथ की तस्वीर है। और उसके बाजू में है वो अंबिका की तस्वीर है, जिसके गोद पर एक शिशु है और एक हाथ में आम का फल है। इस गुफा का श्रेय दिगंबर जैन को जाता है। इस गुफा में पार्श्वनाथ की तस्वीरें, आदिनाथ की तस्वीरें और शांतिनाथ की तस्वीरें मौजूद है। लेफ्ट साइड में जो आप तस्वीरें देख रहे हो वो आदिनाथ की है, और राइट साइड में जो तस्वीरें देख रहे हो वो शांतिनाथ की है। फ्रेंड्स, आपने ये सारी गुफाएं देखी। यहाँ आने के लिए आपको पहले ढाक गांव के डूंगरेश्वर महादेव तक आना पड़ेगा, और यहाँ वहाँ से पैदल 10 या 15 मिनट का ही रास्ता है। यहाँ आने के लिए आप यहाँ आ सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ का इतिहास ये है कि ये 3री सदी में बनाया गया है। ये एक पहाड़ है, वहाँ एक कोतर कर पूरा गुफाएँ बनाई गई है और इसका नाम ढांकगिरी है। आप यहां एक बार जरूर मुलाकात लेना। मेरे साथ एक यहां जुड़ गए जो विजिटर है, और यहां के और वो कहां से आए आप उससे बात कर। मैं चोटीला से यहां डूंगरेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए आया था, और यहां प्राचीन काल की एक गुफा है जहां बौद्ध धर्म अपनाते हैं, वहीं से गुफा देखने के लिए यहां आता हूं। और यहां सब में चोटीला से यहां घूमने के लिए और बढ़िया एक नंबर की यहां
हवामान भी है। फ्रेंड्स आपने देखा दूर दूर से भी यहाँ विजिटर आते हैं देखने के लिए, आप भी एक बार जरूर आना ये प्राचीन जगह देखने के लिए। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं एक नई जगह और नए वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवारों का ख्याल रखें। थैंक यू, आभार।